हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईमेल एक्सट्रैक्शन की और लिंक्डइन की, खास करके कि लिंक्डइन के कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी क्यों नहीं पोस्ट करनी चाहिए जैसे कि इन लोगों ने कर दिया। अभी रिसेंटली मैं अभी अपना लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था, मैं देखा ऐसे ही रैंडमली किसी ने पोस्ट कर दिया ऐसा कि कुछ वो देंगे, प्रॉमिस करते हैं, बट कुछ होता नहीं है। जैसे कि इन सब लोगों ने किया, काफ़ी सारी ईमेल आईडी डाल दी। रीज़न क्या है ये क्यों नहीं होनी चाहिए? फर्स्टली, ईमेल आईडी कोई भी दे सकता है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को स्पैमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, जैसे कि बहुत सारी ईमेल आईडी है, अभी और देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो इसी और देख लेते हैं, इतनी काफ़ी रहेंगी आज की। सो ये सिलेक्ट करते हैं, देखिए मैं सारी सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल सी किया हमने। आप सोचेंगे तो बहुत सारा डेटा भी होता है फालतू का डेटा, जो कि नहीं, वो बाकी लोग क्या करेंगे, बहुत मुश्किल होगा ईमेल आईडी निकालना, बट नहीं। देखिए, अब एक टूल है ईमेल एक्सट्रैक्टर, वो यूज़ किया, सारा यहाँ पेस्ट कर दिया, एक्सट्रैक्ट किया। नहीं, देखिए सारी की सारी ईमेल आईडी जितनी भी उस पोस्ट में जितनी मैं सेलेक्ट करी थी उसमें से सिलेक्ट होकर आ गई। अभी ने कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी ईमेल कंपनी या फिर कोई भी प्रमोशन वाली कंपनी इन सबको कॉपी पेस्ट करेगी और आपको स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देगी बिना आपके कोई रजिस्टर किए या सब्सक्राइब किए। तो यही प्रोसेस को कहते हैं ईमेल एक्सट्रैक्शन। कोई भी रैंडम जगह से किसी भी जगह पर ऐसे लोग पोस्ट करते हैं ताकि लोगों की ईमेल आईडी ले सके और आपकी फिर स्पैमिंग स्टार्ट हो जाती है। सो मच एडवाइस, ऐसी पोस्ट पर कभी भी अपना ईमेल आईडी नहीं देना चाहिए। जो ऑथेंटिकेट, जो असली पोस्ट होंगे, वो या तो आपको डीएम करने को बोलेंगे या प्रॉपर एक फॉर्म सबमिट कर देंगे जिस पर अपना ईमेल आईडी दे सके। वैसे पब्लिकली नहीं करते ये सब चीज़ें। सो अवेयर रहना गाइस, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।